प्राइम, ठीक है, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर, कल आप लोगों को जो है, कल का सेशन जो था वो हमारा प्रोफाइल सेटिंग्स पे था बेसिकली, जिसमें हमने ये देखा था कि हम प्रोफाइल जब सेट करते हैं अपनी, तो एज ए प्रोफेशनल हम अपने प्रोफाइल में कौन कौन सी चीजें जो है उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली एज ए प्रोफेशनल मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस दे दी थी कि आप कौन कौन सी चीजें जो है उनको ऐड कर सकते हैं और कौन सी चीजों से अवॉइड कर सकते हैं। उस चीज को हम प्रोफाइल एसईओ भी बोलते हैं। और मैंने ये चीज भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कोई भी बंदा जब आपको जॉब देता है तो जॉब देने से पहले वो आपकी प्रोफाइल को देखता है। दैट मीन कि आपका प्रोफाइल जो है ये आपका एज ए रेज्यूमे काम कर रहा होता है। अगर आपने अपने प्रोफाइल को अच्छे से मैनेज और ऑर्गेनाइज किया हुआ है और वेल डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप एक विन विन पोजीशन में चले जाते हैं। आप क्लाइंट पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आज जो है उसके आगे हम लोग कुछ चीजों को ऐड करते हैं। आफ्टर प्रोफाइल सेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको बताई थी कि आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो तब स्टार्ट होता है जब आपका प्रोफाइल 70% जो है वो ओके हो चुका होता है। 70% आपका प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट होगा तो देन आप गिग बना सकते हैं। गिग क्या होती है ये भी कल हमने डेफिनेशन में देखा था कि गिग जो है उस सर्विस को कहते हैं जो आप सेल आउट करना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, फाइवर के थ्रू, जो कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तो सर, जाहिर सी बात है कि गिग जब आप बनाएंगे तो आप गिग में किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे, ये चीज भी जरूरी है, क्योंकि बाद टाइम जो लोग सीनियर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर हम लोगों ने गिग बनाया, हमें ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है, तो कुछ और रीजंस आते हैं। तो उन चीजों को जो है वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग भी साथ रहें, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो एट द एंड जो है वो इंशाल्लाह हम जरूर इंटरटेन करेंगे, पूछेंगे भी। मैं आपसे पूछूंगा तो आप लोग जरूर पूछ भी सकते हैं मुझसे कि सर ये क्वेश्चन है, लेकिन वो एट द एंड होगा। जब आप 70% अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं तो देन आपके पास जो चीज आती है वो आती है कि आपने अपना गिग कैसे बनाना है, ठीक है जी। तो गिग बनाने के लिए सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि यहाँ पर आपका जो है ये वाला इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है आपके गिग के लिए। ये पेज आपके पास ओपन आ जाएगा जब आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। तो गिग बनाने के लिए सबसे पहले तो कुछ चीजों की जरूरत होगी आपको, जो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि गिग बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए आपके गिग का, टैग्स होने चाहिए आपके गिग्स के, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं, आप किस निश में काम करना चाहते हैं, ये चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड आपके पास 3 पिक्चर्स जो है वो होनी चाहिए आपके गिग के ऊपर लगाने के लिए, दैट मीन पोर्टफोलियो, जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास आपका पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। तो चले स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइटल की, कि गिग टाइटल क्या होता है। मैं साथ साथ एज ए एग्जाम्पल्स कल वाली जो गिग्स हैं यहाँ पे ओपन है मेरे पास, मैं उनको साथ अपने ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो सर, जो चीज सबसे पहले आती है वो होती है आपके पास गिग टाइटल। तो गिग टाइटल क्या है? गिग टाइटल सेम एज इट इज ऐसे है जैसे आपका शॉप का नेम होता है, कि आपका शॉप जो बना रहे हो उसका कोई अट्रैक्टिव सा नेम रख रहे हो। सपोज दैट के अगर आप क्लोथिंग की या आईटी की शॉप बना रहे हो, सपोज दैट कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी की, कोई लैपटॉप्स की शॉप बना रहे हो, तो उस पर कभी भी आप फैब्रिक्स का जो है बोर्ड नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप डिजाइनिंग में सर्विसेज दे रहे हो तो उसका जो आप टाइटल रखोगे वो डिजाइनिंग से रिलेटेड आएगा, वो प्रोग्रामिंग एंड टेक से रिलेटेड नहीं आएगा। तो ये वाला जो आपका होता है ये आपका टाइटल होता है आपके गिग का, ठीक है। आप डिफरेंट लोगों के टाइटल देख सकते हैं, कुछ लोगों के सेम मिलेंगे आपको, कुछ के डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट वर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, फेबुलस बिजनेस 3D लोगो है, ये यूनिक मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो है, ये आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। कि इन कीवर्ड्स की बेस पे आपका गिग सर्च में आता है। कोई भी क्लाइंट है वो यहाँ पर आके लिखता है इस फाइंड सर्विसेज में कि मुझे जनाब एक मिनिमल लोगो चाहिए, सपोज दैट, या ये मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैं मिनिमलिस्ट लोगो की सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कुछ लोगों की गिग्स आएंगी, ठीक है जी।
यहाँ पे न्यू क्राइटेरिया दिया हुआ उसने, कह रहा कि अंडर $40 या 40 से 80 आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, कि आप अगर प्राइस फिल्टर करना चाहते हैं या कोई भी तो आप फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, मिनिमलिस्ट लोगो जिन जिन लोगों ने भी यूज किया है अपने टाइटल में, वो यहाँ सारे के सारे मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। कुछ फर्स्ट पेज पे आएंगे, कुछ जो है वो आपको सेकंड पेज पे मिलेंगे, एंड इसी तरह से अदर पेजेस पर भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपने कीवर्ड्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको लिखना है, और आपने ऐसे कीवर्ड्स जो है वो ढूंढने हैं जो आपके मनी कीवर्ड हो। मनी कीवर्ड उन कीवर्ड्स को हम बोलते हैं कि जिनके अगेंस्ट में आपको सेल्स मिलती है, ठीक है जी। तो ऐसे कीवर्ड जिनके अगेंस्ट आपको सेल मिलेगी वो आपके मनी कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। आप उनको सर्च कर सकते हैं, सर्च के कई तरीके हैं। आप अपने जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको देख सकते हैं, उनके कीवर्ड्स कौन से लगे हुए हैं, एट द एंड यहाँ पे टैग्स लगे होते हैं, एंड मैनी मोर। आप गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हैं, आप गूगल से चेक कर सकते हैं किन कीवर्ड्स की जो है वो सर्च ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो आप लोग कई तरीकों से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हम मैं जब काम करवा रहा होता हूँ तो मैं अपने जो है वो कीवर्ड्स की शीट बनवा रहा होता हूँ, ठीक है। सपोज दैट लाइक अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँ, बंदे अपनी बना रहे होते हैं अपनी शीट्स को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे गीक सर्च में रिसर्च जो है वो हमने की हुई है, उसका जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कीवर्ड्स निकाल रहा होता हूँ और उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट में कितने सेलर्स हैं, उसकी सेल प्राइस क्या है, उसके टॉप गिग्स कौन से हैं, उसके ऑर्डर्स कितने हैं। तो हम कुछ इस तरह से अपना डाटा मैनेज कर सकते हैं, और इवन के हम लोग अब मैं जब अपने स्टूडेंट्स को काम करवा रहा होता हूँ तो सेम जो है उसी पैटर्न पे काम करवा रहा होता हूँ, ताकि जो है आप लोग भी उसी पैटर्न पे काम कर सके, उसी रोड मैप पे काम कर सको जिस रोड मैप पे हमने खुद काम किया होता है, ठीक है। तो अब एक मेंटर जब आपको अपना रोड मैप दे रहा होता है, दैट मीन कि आपके सक्सेस के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। वो काम जो हमने सालों की मेहनत के बाद सीखा होता है, हिट एंड ट्रायल करने के बाद सीखा होता है, दैट मीन के वो आपको जो है क्लासरूम में मिल रहा होता है, आपको हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आप लोग यहाँ से जो है वो अपने रिलेटेड टैग्स निकाल सकते हैं, अपने सीनियर्स से ले सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो सपोज दैट अब मैंने यहाँ पे इस गीक को बनाने के लिए यहाँ पे अपना डाटा जो है वो निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं सर अपने गीक को डिजाइन करना, बनाना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टाइटल की। तो मैंने टाइटल लिखा हुआ डिजाइन टू यूनिक मॉडर्न एंड मिनिमलिस्ट लोगो, क्योंकि मैं मिनिमल लोगो की सर्विसेज देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि दैट मीन के आपका जो टैग लाइन आपने गिग टाइटल दिया हुआ है, दैट मीन वो बिल्कुल परफेक्ट है। मिनिमम या मैक्सिमम आप 80 कैरेक्टर्स इस टाइटल में लिख सकते हैं, गिग टाइटल के अंदर 80 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते, ठीक है जी। आई विल बाई डिफॉल्ट इसके साथ लिखा होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि आप आई विल को लिख के अपने कीवर्ड को जो है वो जाया करें। बाई डिफॉल्ट लिखा होता है, इसलिए अगर आप लिखेंगे भी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। सेकेंडली चीज मैंने कही कि आप अपनी निश या कैटेगरी जो है उसको डिफाइन करोगे, ठीक है जी। आप यहां पर जाते हैं और सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है जी। ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद मैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो दैट मीन के मैं लोगो डिजाइन जो है उसको सिलेक्ट करूंगा। अगर आप किसी और कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से आके अपनी कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा वर्क है? तो जनाब कल भी मैंने आपको बताया था कि ये मेन कैटेगरीज हैं फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको सब कैटेगरीज मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी मेन कैटेगरी कौन सी बनेगी और आपकी सब कैटेगरी कौन सी बनेगी, ठीक है जी। मुझे अगर डिजाइनिंग में किसी ब्रांड स्टाइल गाइड में या गेम आर्ट बना रहा होता, मैं बिजनेस कार्ड या स्टेशनरी बना रहा हूँ, उसका गिग बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से उसको सब कैटेगरी को मैं जो है वो चेंज कर लेता जी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं लोगो डिजाइनिंग पे गिग बना रहा हूँ तो ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस लोगो डिजाइनिंग मेरा सब कैटेगरी आ गया। क्यों? क्योंकि मेन कैटेगरी अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का देखें तो इसमें और भी बहुत सी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। आप इनमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आइकॉन डिजाइन कर रहे हैं,
आप कोई वेबसाइट का पेज डिजाइन कर रहे हैं, आप इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन का डिजाइन बना रहे हैं, तो आप उसको भी सब कैटेगरी में चूज कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ गया स्टाइल। अब स्टाइल में क्या है, लोगो डिजाइन करने के डिफरेंट स्टाइल है। सपोज दैट मैं विंटेज रेट्रो कर रहा हूँ, वर्सेटाइल बना रहा हूँ, मैं इसको कार्टून टाइप कर रहा हूँ, कोई फ्लैट डिजाइन कर रहा हूँ, तो मुझे वो जो स्टाइल है वो चूज करना है। तो मैं अपनी गिग में मैंने लिखा हुआ कि मैं मिनिमलिस्ट और मॉडर्न दो टाइप के लोगो बना रहा हूँ, यानी कि मैं वर्सटाइल भी चेक कर सकता हूँ और मिनिमलिस्ट भी मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे फ्लैट एंड मिनिमलिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। फाइल फॉर्मेट, आप जब भी कोई डिजाइन करोगे, आप कोई कोडिंग करोगे, तो उसमें उसके सोर्स कोड्स होंगे, ठीक है, उसकी कुछ फाइल एक्सटेंशन होंगी, ठीक है। इसी तरह डिजाइनिंग की भी है, तो आप उसमें जो है अपनी फाइल एक्सटेंशन जो है वो सिलेक्ट करें कि आप कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन उसको दे रहे हैं। मैं CDR के अलावा सबको जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। CDR कोरल ड्रा की फाइल होती है, इसलिए मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। अहमद, इंशाल्लाह गीक के बाद आपसे मैं क्वेश्चन कीजिएगा, फिर बात करते हैं। अभी सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा मैं, तो इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं आप वर्चुअल असिस्टेंट के हिसाब से, बट सेम मेथड है दोनों के लिए। ओके सर, तो फाइल जो है एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने सेव कर ली। अब बात आ गई सर्च टैग की। अब सर्च टैग उन लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा जो SEO का काम कर रहे हैं। सर्च टैग्स वो कीवर्ड्स होते हैं आपके, जो आप जिनकी बेस पे आपका गिग सर्च हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे मैंने मिनिमलिस्ट लोगो लिखा, दैट मीन ये एक सर्च टैग है। यहाँ पर अगर मैं कोई और सपोज्ड यूनिक लिखता हूँ, तो ये एक टैग है, दैट मीन कि मुझे वो टैग यूज करने हैं जो मेरे गिग को लोगों के सामने शो करवाए। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर कुछ टैग जो है वो अपने लिए निकाल के रखे हुए हैं, मिनिमलिस्ट, मॉडर्न, मिनिमल, यूनिक एंड लोगो मेकर टाइप। तो हम उन पे जाते हैं, उनको ही ले लेते हैं। मिनिमल एंड मॉडर्न, यूनिक लोगो मेकर एंड ग्राफिक ग्राफिक डिजाइन। ठीक है जी, आप पांच टैग जो है मैक्सिमम वो कह रहा है कि यूज कर सकते हैं, तो हमने पांच टैग यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अगर आप एक चीज को और गौर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो टैग्स अपने टाइटल में रखे हैं, वही टैग जो है वो मैंने अपने टैग्स ऑप्शन में भी रखे, दैट मीन मैं टैग्स को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको एक चीज और बोलते हैं, गिग SEO भी बोलते हैं। कल एक भाई ने पूछा था, तो उनके लिए अगर वो आज भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप साथ साथ में अपने गिग SEO भी कर रहे हैं। ठीक है जी, सेव एंड कंटिन्यू किया एंड आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, सर आपके गिग का प्राइसिंग। ठीक है, तो गिग का प्राइसिंग भैया आपने बहुत सोच समझ के जो है उसको सेट करना है। एक चीज याद रखें, आपको ऑर्डर ना मिलने की एक रीजन आपका गिग प्राइस भी होता है। जहां पर आपका टैग और टाइटल एक रीजन होता है, वहां पे सेकंड रीजन आपका गिग प्राइसिंग भी होता है। अब गिग प्राइसिंग में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अपने कंपटीटर को सर्च नहीं कर रहे होते कि वो कौन सा काम दे रहा है, कितने पैसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, एंड सेकंडली चीज, आप न्यू है, तो न्यू आप होते हुए बेशक थोड़ा सा प्राइस को लो कर लो, लेकिन इतना लो मत करो कि क्लाइंट ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये अगर इतना कम चार्ज कर रहा है तो दैट मीन कि इसे काम नहीं आता। आप अपने गिग का जो प्राइस है उस टाइम के साथ कैलकुलेट करके रख लो, जितने आपको उस प्रोजेक्ट पे टाइम जो है वो लगे। हम प्राइस सेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो कहता है कि भाई अपने पैकेजेस के नेम लिखो। सपोज दैट मैं अभी नेम जो है उनको सेम एज इट इज कर रहा हूँ, बेसिक प्रीमियम एंड नेक्स्ट आ गया सर आपके पास कि आप अपने पैकेज को जो है वो डिस्क्राइब करो कि आप अपने पैकेज में क्या दे रहे हो। सपोज दैट जिनकी आपने गिग ओपन की हुई है उनके पैकेजेस को हम जरा चेक कर लेते हैं। वो कह रहे हैं जी 3 बेसिक लोगो विद ऑल फाइल फॉर्मेट्स, दैट मीन $30 वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड में 4 लोगो, अनलिमिटेड रिवीजन और ऑल फाइल फॉर्मेट दे रहा है। ठीक है, एंड 120 में वो ऑल फाइल सोशल मीडिया एंड स्टेशनरी भी ऐड किया है। ठीक है,
तो हम जरा अपना पैकेज बनाते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे कहते हैं जी आपके पास टाइटल था 2 यूनिक लोगों का, ठीक है जी। तो हम कहते हैं यहाँ पे उसको 2 यूनिक लोगों विद ऑल पॉइंट्स, ठीक है जी। मैं जस्ट पैकेजेस को इसी तरह से कॉपी करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। इसमें मैंने लोगोस की डिटेल जो है वो पुट कर दी है, प्लस मैंने कहा है अनलिमिटेड रीजन, प्लस वीआईपी स्पोर्ट, तो मैंने कोई चेंज नहीं किया यहाँ पे, प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया स्टेशनरी एंड सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर उसको मैं इसको थोड़ा सा एट्रैक्टिव बना देता हूँ, ठीक है जी। ऑल ब्रांडिंग फाइल्स प्लस वेब व्यूज फाइल एंड प्लस 3D मॉकअप, ठीक है जी। ये एक चीज हमने उससे डिफरेंट भी डाल दी है, आप तीनों में डाल दो इसको बेशक। ले जी यहाँ पर अब आपके जो वर्ड्स हैं वो कम हो गए हैं, तो हम यहाँ से इसको निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। ओके जी, अब आपके पास आ गया जी कि डिलीवरी टाइम जो है वो आपने क्या रखना है। सर मैं स्टार्ट में सबका 1 डे रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काम नहीं होता है आपके पास तो आप स्टार्ट में 1 डे रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिवीजन, सेलेक्ट करें, आप रिवीजन अनलिमिटेड करते हैं जब तक आपके पास काम का बर्डन नहीं है। ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, जब आपके पास काम का बर्डन हो तो आप इसको जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। ले जी मैंने पहले में 2 का है उसको वर्जन दूंगा, दूसरे में 3 एंड 3। सोर्स फाइल बिल्कुल मैं दूंगा, तीनों में मैंने कहा है उसको लोगो ट्रांसपेरेंसी, जिसको PNG फाइल बोलते हैं हम अपनी जुबान में, वो है। हाई रेजोल्यूशन बिल्कुल दूंगा, 3D मॉकअप तीनों में अवेलेबल है। इसमें स्टेशनरी डिजाइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें वेक्टर फाइल दोनों में है, ठीक है जी। ले जी तो मैंने यहाँ पे अपना रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फिल कर दिया अपने गीक के लिए, कि ये चीजें जो है मैं आप लोगों को दूंगा, और साथ में मैंने चेकबॉक्स भी लगा दिया है। अब आते हैं जी एक्स्ट्राज की तरफ, के एक्स्ट्राज क्या होते हैं, ठीक है जी। तो एक चीज याद रखिए, सपोज दैट कि अगर यहाँ पर मैंने डिलीवरी टाइम रखा होता 2 दिन या 3 दिन, अगर मेरे पास काम का बर्डन है तो मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी लगाता है, जिसमें मैं कहता कि मैं आपको 1 डे में एक ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा और उसके मैं एक्स्ट्रा चार्जेस कोई $10 $15 जितने भी आप रखना चाहते हैं वो रख दें, लेकिन क्योंकि नहीं है तो मुझे इसको जरूरत नहीं। अच्छा सॉरी, ये पोर्शन रह गया प्राइस का। तो सर 2 लोगों आप कह रहे हैं, तो सपोज दैट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप 15, 20, 25 से स्टार्ट कर लो। सपोज दैट मैं 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड में आप क्या कर रहे हैं, 3 लोगों दे रहे हैं, VIP सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप इसको बेशक 35 दे दें। एंड इसमें क्योंकि आप सर सोशल मीडिया भी दे रहे हैं एंड, तो मैं इसको 75 दे देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज याद रखें, आपने मैनेज करना है अपने प्राइस को। देखें मैंने यहाँ पे 25 उसको 2 लोगों के विद ऑल फाइल्स दे रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन कि यहाँ पे मैंने 1 लोगो बढ़ाया तो यहाँ पे मैंने $10 ही प्राइस बढ़ाई है, उसकी ज्यादा नहीं बढ़ाई, मैंने 45 या 55 नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मैंने जंप लगाया $40 का, $40 जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। क्यों ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेशनरी एंड सोशल मीडिया किट जो है वो बना के दे रहा हूँ साथ में, ठीक है जी। तो और साथ में 3 उसके वर्जन है, दैट मीन 35 प्लस $40 जो है वो मैं ले रहा हूँ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया किट के। तो आपने अपने प्राइस को मैनेज करना है एक सीक्वेंस के हिसाब से, ये नहीं करना कि $5 पहले की प्राइस रखी है तो दूसरे की 25 और तीसरे की 125 रख देनी है, ये काम नहीं करना, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपका प्राइस मैनेज नहीं होता। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में कोई नहीं दे रहा, अनलिमिटेड रिविजन दे रहा हूँ इसलिए एक्स्ट्रा रिविजन की जरूरत ही नहीं है।
एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट, हाँ इसको मैं लगा सकता हूँ, क्यों कि भाई फॉर एन एक्स्ट्रा, मैं कहता हूँ कि मैं $10 एक्स्ट्रा लूंगा और एक दिन ज्यादा टाइम लगाऊंगा, अगर वो कहता कि मुझे एक लोगो कॉन्सेप्ट और बना के दो, ठीक है, तो मैं $10 एक लोगो कॉन्सेप्ट के उसको दूंगा, ठीक है। स्टेशनरी डिजाइन में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, क्यों मैं कर सकता हूँ, मैं $25 सिर्फ डॉलर कर रहा हूँ, रीजन भी बताता हूँ कि अगर कोई बंदा ये वाला पैकेज स्टैंडर्ड पैकेज आके बाय करता है तो इसमें स्टेशनरी पैकेज उसका ऐड नहीं है, ठीक है, तो वो स्टेशनरी पैकेज को दोबारा से बाद में ऐड कर सकता है गिग एक्स्ट्रा के जरिए, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। एंड $25 ही मैं इस पे लगा रहा हूँ सोशल मीडिया पे सेम। ओके सर, ये अब एक न्यू ऑप्शन दिया है फाइवर ने आपके पास सब्सक्रिप्शन का, ठीक है जी। ऐसे लोग जो अपना काम कर रहे हैं कोई ई कॉमर्स का, तो ई कॉमर्स में आपको मंथली बेसिस पे आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, आप एसईओ का काम कर रहे हैं, तो आप उसमें गिग बेस्ड सर्विसेज भी दे सकते हैं और मंथली बेस्ड सर्विसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पर मंथ के हिसाब से कोई चार्ज करना चाहते हैं कि 5% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट आप दे सकते हैं उसको, कि 3 मंथ्स के लिए वो बंदा आपको हायर करता है तो आप उसको कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं गिग बेस्ड सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं इस चीज को जो है वो चेक नहीं कर रहा, ये अनचेक ही है। तो प्राइस के बाद सर आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करें आप अपने गिग को। तो डिस्क्रिप्शन जो है मैंने सर लिख के रखी हुई है यहाँ पर अपने गिग के लिए, मैं जस्ट इसी को कॉपी कर रहा हूं। एक चीज याद रखिए सर, डिस्क्रिप्शन कॉपी मत कीजिएगा, कॉपी मत कीजिएगा, गिग डिनाय हो जाता है, पहले बता रहा हूं, ठीक है जी। तो मैं यहां पर ग्रामरली का जो है उसको ऐप मैंने किया हुआ, जिसकी वजह से मुझे वो बता रहा है कि भाई आपकी जो करेक्शन होने वाली है आप उसको कर लें, तो मैं ने वो काम कर दिया, ठीक है जी। स्पेलिंग मिस्टेक और सेंटेंसेस की मिस्टेक्स अगर आप चाहते हैं कि चेक हो तो आप ग्रामरली का विजेट्स जो है उसको इंस्टॉल करके ये चीज जो है देख सकते हैं, ठीक है जी। तो सर अब डिस्क्रिप्शन लिखने की तरह से उसकी साइंस समझ लें, आपने जो टाइटल लिखा हुआ है डिजाइन टू यूनिक मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो, दैट मीन कि मैंने 3 कीवर्ड्स को हिट किया, यूनिक मॉडर्न एंड मिनिमलिस्ट को। तो सर आप अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज करें अपनी डिस्क्रिप्शन में, रिपीट करें मिनिमम 3 टाइम। आप स्टार्ट में रिपीट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आवर एक्सपर्टीज में फिर से वो उन्हीं चीजों को डाल दिया, ठीक है जी, और किस किस टाइप के लोगो हैं मैंने वो भी डाल दिए यहाँ पे, मिनिमम फ्लैट मॉडर्न, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे यूनिक को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो आप इस तरह से अपने कीवर्ड्स को भी रिपीट कर सकते हैं, दैट मीन ये चीज जो कहलाती है ये गिग एसईओ कहलाती है। आप अपनी डिस्क्रिप्शन में मिनिमम 3 टाइम्स अपने कीवर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं और एट द एंड आप उसको सर एक कॉल टू एक्शन दें। कॉल टू एक्शन क्या होता है, आप उसको मोटिवेट करें, जैसे कि ग्रैब अस एज योर डिजाइनर पार्टनर, डिजाइनिंग पार्टनर एंड सी आवर टीम क्रिएटिंग वंडर्स, ठीक है। दैट मीन के भाई हम आपके जो है डिजाइनिंग पार्टनर बनेंगे और आप लोग हमारी टीम का जो है काम यूनिक जो है उसको देखेंगे। एंड एट द एंड मैंने उसको कहा कि भाई अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको एज सून एज पॉसिबल जो है उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो अब गिग को आपने इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि उसमें आपने सबसे पहले तो अपने बारे में बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है और ये बताना है कि लोग आपको क्यों चूज करें, जबकि ये वाले जो लोग पहले से बैठे हुए हैं इनमें और आपने डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब जब आप डिफरेंस बताएंगे किसी को कि भाई मुझ में ये क्वालिटीज हैं, मैं इस तरह से काम करता हूं, मैं ज्यादा बेटर काम कर रहा हूं, तो देन ही कोई बंदा आपका जो है वो आपसे बाय करेगा आपकी सर्विसेज को, ठीक है। तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को, जो कि डिस्क्रिप्शन है, उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज रखना है। आफ्टर दैट आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो होते हैं इनको लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने नहीं आते मेरे भाई इनको बेशक आप कॉपी कर लो, इसकी इजाजत है क्योंकि इस पे कोई कॉपीराइट नहीं आता, ठीक है। देख लो अगर किसी सेलर ने लिखे हुए हैं, जैसे कि ये इसने लिखे हुए हैं, कहता है कि भाई व्हाट डू यू नीड
गेट सेटल्ड, कोई बंदा मुझसे पूछता है कि भाई आपको अगर काम स्टार्ट करना है तो क्या चीज चाहिए, ठीक है, तो सिंपली आके मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका एंड देन मैंने यहाँ से उसको आंसर भी सेम रिप्लाई कर दिया, जो है कॉपी कर लिया एंड ऐड कर दिया एफएक्यू में। सेकंड उसका क्या है, व्हाट इज सोशल मीडिया इंक्लूड, कहता है कि सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, तो सर हमने इसको भी कॉपी कर लिया। ये सर जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अपने अपने चेंज कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। एंड कहता है सोर्स फाइल क्या है, या जिसको कॉल कहते हैं ब्रांडिंग फाइल। सपोज दैट कि मैंने सोर्स फाइल नहीं लिखा, मैंने ब्रांडिंग फाइल लिखा है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। एक चीज याद रखे, कॉपी भी जो है उसको एक तरीके से कीजिएगा, ये ना हो कि उसकी कॉपी जो आप कर रहे हैं, आपने कुछ और लिखा है, उसने कुछ और लिखा है और सेम उसको, तो पढ़ के कीजिएगा कॉपी, ठीक है। अब इसको जनाब हम जरा, ठीक है जी, एंड ऐड। मैंने तीन क्वेश्चन जस्ट आपके लिए ऐड करके आपको बता दिया कि आप इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप मिनिमम 9 to 11 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे सर, नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है कि रिक्वायरमेंट बताओ, ठीक है, कि आप क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट मुझे तो जो चाहिए वो यही है सेम, ठीक है, तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। वैसे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिख के रखी हुई है, पोज लोगो टेक्स्ट उसने लिख लिया, टैगलाइन लिख लिया इफ यू हैव, एंड शॉर्ट इंट्रो ऑफ योर वीडियोस, और इसको मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव ऐसे बना देता हूँ कि मैं इनको ऐसे ले लेता हूँ। कलर प्रेफरेंस मुझे चाहिए क्योंकि जाहिर ही बात है कि वो अपने, एंड एनी इंस्पायरेशनल सैंपल्स अगर उसके पास कोई है तो चले सर। मैंने थोड़ा सा इसको ऐड कर दिया एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब आपके पास सर आ गई है कि इमेजेस आप ब्राउज करें और अपनी इमेजेस जो है वो पुट करें यहाँ पर। सपोज दैट मैं अब इमेजेस कौन सी ले रहा हूँ, मैं एक इमेज ये ले रहा हूँ एंड चलें ये भी ले लेता हूँ, ठीक है सर। एक चीज याद रखिएगा, इमेजेस आप अपनी यूज कीजिएगा, कॉपी मत करिएगा, गिग डिनाय हो जाता है, बार बार कह रहा हूँ। आप अपना वीडियो लगा सकते हैं जो कि आपके पास 75 सेकंड्स का आप वीडियो बना के लगा सकते हैं और 50 MB उसका साइज होगा। वीडियोस जिन गिग के ऊपर होगा उन गिग्स को एच मिलता है, उनकी एंगेजमेंट जो है नॉर्मल गिग से 40% ज्यादा होती है, जो कि आपको फाइबर भी यहाँ पे बता रहा होता है, ठीक है। अब आप वीडियो दो तरीके से बना सकते हैं, आप अपने वर्क सैंपल का वीडियो बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसमें भी बन जाता है, आप फिल्मोरा में बना सकते हैं, आप किसी और सॉफ्टवेयर या ऐप में बनाना चाहे आप उसमें बना सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप कैमरा को अपनी तरफ करें, यानी कि खुद वीडियो रिकॉर्ड करें, जैसे कि आप स्पीकिंग में उसको बता सकते हैं हाय आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, और अपने इंट्रो के बाद जो जो आपका काम है उसके वर्क सैंपल्स भी लगा सकते हैं, या आप उसको बता सकते हैं जो भी कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो उन चीजों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो में। तो दो तरीके हैं, आप अपना वर्क सैंपल के जरिए भी वीडियो बना सकते हैं और आप अपना वीडियो खुद भी रिकॉर्ड करके लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है उसका साइज 50 MB होना चाहिए और जो 75 सेकंड्स की हो सकती है वीडियो। उसके बाद सर आप PDF डॉक्यूमेंट्स में, अगर आपके पास आपका काम जो है उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, वैरायटी ऑफ वर्क है आपके पास, डिफरेंट टाइप का काम है, जैसे कि लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, बिजनेस कार्ड एंड अदर वर्क, कोई भी अगर आप UI एंड UX का काम कर रहे हैं तो आपके पास मोबाइल्स का जो है ग्राफिकल लेआउट होगा, वेबसाइट के बैनर्स एंड हेडर्स बना रहे हैं तो उसका ग्राफिकल लेआउट होगा, अगर आप बुक कवर्स बना रहे हैं तो उसका भी आपके पास पोर्टफोलियो होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि उन सारे के सारे कामों की PDF फाइल्स बनाएं जिसमें आपका मल्टीपल जो है वो वर्क होगा, क्योंकि पिक्चर में आप सिर्फ 3 पिक्चर्स ही लगा सकते हैं, तो वो दो फाइल्स आप यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको ये भी डिक्लेयर करना है कि ये सारे का सारा काम आपका अपना है, पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अब आपको करना पड़ता है ये, ताकि किसी भी वक्त कोई भी बंदा क्लेम कर सकता है कि ये काम मेरा है, तो आपका किक देना है हो जाता होता है।
ओके सर, यहाँ पर आ गया, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, आप पब्लिश क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट न्यू है सर, तो आपको यहाँ पर दो चीजें करने को मिलेंगी। ठीक है, वो सुन लें, वो क्या है। सबसे पहली चीज आपको करने को ये मिलेगी कि अगर आपने फोन नंबर वेरीफाई नहीं किया तो आपसे फोन नंबर वेरिफिकेशन मांगेगा वो। ठीक है, आप अपना नंबर पुट करें, वो नंबर पुट करें जो आपके पास है, क्योंकि एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और उस कोड को आपने पुट करना होता है। एंड सेकेंड, आपसे जो चीज वो मांगेगा, वो चीज आपके पास होगी कि आप इंग्लिश का टेस्ट दोगे। ठीक है, बेसिक इंग्लिश का टेस्ट, यानी कि दैट मीन कम्युनिकेशन टेस्ट आप दोगे, तो देन जो है वो आप कर सकोगे। तो सर, यहां तक का जो होल प्रोसीजर था, दैट मीन ये आपका गिग बनाने का प्रोसीजर था। ठीक है जी, तो अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन दूंगा और थोड़ी सी क्यूरी और क्लियर करूंगा। सर, हम डायरेक्ट अपवर्क से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइमा बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे, अप टू यू है कि आप अपने काम के साथ कितना प्रोफेशनल हैं। प्रासत कीवर्ड्स, बच्चे वो वर्ड्स होते हैं जिनकी बेस पे कोई भी बंदा आपके काम को सर्च करता है, या आप क्लाइंट की साइकी को समझते हुए वो वर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स में लिखते हैं कि ये वर्ड्स की बेस पे मेरा गिग जो है क्लाइंट्स को शो हो सकता है। जी साद, आप 3 से 4 घंटे अगर काम करते हैं तो दैट्स इनफ, आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है। फरासत, कई टूल होते हैं कि अक्सा, आपका क्वेश्चन है सर, विदाउट की क्रैंकिंग भी ऑर्डर मिल जाते हैं स्टार्ट में। अक्सा, बिल्कुल ऑर्डर मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। फरासत, कीवर्ड को आप गूगल कीवर्ड प्लानर जो है, कीवर्ड का गूगल को यूज कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड को, लेकिन सिर्फ आइडिया लेने के लिए कि गूगल का जो गूगल ट्रेंड से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स जो है एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल कीवर्ड सिर्फ आपको ये बता सकता है कि मंथली बेस पे किस कीवर्ड की सर्च किया है। ठीक है, तो उसमें ओवर सजेस्ट भी है, जो एसईओ वाले लोग हैं उनको तो इन टूल्स का बहुत अच्छे से पता है। तो मैं बेसिकली मैनुअल कर रहा होता हूँ, जैसे मैंने आपको साथ शीट्स शेयर की थी वीडियो के दरमियान में दिखाई थी, तो मैं खुद मैनुअली तौर पे कर रहा होता हूँ कीवर्ड्स की सर्च, क्योंकि कीवर्ड में हम कई चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे कंपटीटर्स कौन के हैं, उनका एनालिसिस करते हैं कि हमारे अगेंस्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं। रैंकिंग बिल्कुल मिल जाते हैं। 3D मॉकअप क्या होते हैं सर, आप गूगल करें 3D मॉकअप को, तो आपको ये एक्चुअल में प्रेजेंटेशंस होती है कि आप अपने काम को जब प्रेजेंट करें तो उसकी लुक अच्छी आए, तो ये आपके पास प्रेजेंटेशंस है 3D मॉकअप की। रहमा, अपवर्क पे गिग नहीं बनता बेटे, सेम प्रोसीजर नहीं है। अपवर्क जो है उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। अपवर्क का मेथड ये होता है कि आप प्रोफाइल बनाते हो, लोग अपना प्रोजेक्ट सेंड करते हैं, ठीक है, आप उस प्रोजेक्ट को रीड करते हो और रीड करने के बाद उसे जॉब प्रपोजल भेजते हो, जिसको हम बोलते हैं बिड करना अपवर्क की लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप जिसको हम बोलते हैं ना जॉब प्रपोजल सेंड करना, कवर लेटर लिखना, कई उसमें वर्ड्स यूज होते हैं, कोई लोग कवर लेटर्स उसको बोलते हैं, कोई जॉब प्रपोजल बोलता है, कोई बिड करना बोलता है, तो एक्चुअल में आप उस पर बिड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने जो उसको बिड किया है उसमें उसने आपसे जो चीज डिमांड की है, आपने उसके अकॉर्डिंगली लिखा है, उसको बताया है कि आपके प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है और मैं इसको इस तरह से जो है वो हल कर सकता हूँ, तो डिफरेंट लोग एक प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे होते हैं, तो अब ये क्लाइंट की मर्जी है कि वो किसको जॉब अवार्ड कर रहा होता है। मोहम्मद साहब, बेस्ट टाइम बच्चे ये है कि आप मोस्टली जो वर्क आपके पास क्लाइंट होता है 99% वो यूएसए बेस्ड का होता है, तो आप उसको अब टाइम न्यूयॉर्क का फाइंड आउट कर लो कि क्या चल रहे हैं उसके वर्किंग आवर्स। आई थिंक सो कि हमारा जो इवनिंग टाइम है वो उनका मॉर्निंग टाइम है। ठीक है, तो उनके जो 8 to 5, 8 to 4 जो जॉब आवर्स है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है क्लाइंट्स फाउंड कर सकते हैं, यानी कि मोस्टली रात का टाइम हमारे बनता है। ओके सर, गिग पर इंप्रेशन आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा। सर, ये मैंने पेज आपके लिए खोल के रखा है क्योंकि कल भी आपका क्वेश्चन था। सर, कुछ चीजें ऑर्डर्स ना मिलने की वजह है, यहाँ पर मुझे 325 बहुत लो इंप्रेशन है, एक अकाउंट जो आपके साथ कल था वही सेम चल रहा है, 5 क्लिक्स है और 2 ऑर्डर्स हैं इसके जो लास्ट वीक के हैं। तो अब है क्या कि एक चीज याद रखें, कीवर्ड्स। ठीक है, अगर आपके कीवर्ड्स तगड़े हैं, यानी कि कीवर्ड्स आपने बिल्कुल
अच्छे यूज किए हैं, तो दैट मीन कि आपकी गिग सर सर्च में आ रही है यहाँ पे। दैट मीन अगर किसी ने यूनिक लोगों का कीवर्ड लगाया ना, तो यहाँ पे सब लोग यूनिक वाले मेरे सामने आ रहे हैं। अब इनमें से मैं गिग वो ओपन करूंगा जो इट्रेक्टिव एंड अच्छी है। दैट मीन एक कीवर्ड लगने की बेस पे फाइवर आपकी गिग को सर्च में ले आया, तो दैट मीन आपको एक इंप्रेशन मिल गया। अब इंप्रेशन इन सबको मिला है, ये सब इन सबको एक एक इंप्रेशन मिला है, मैंने बेशक गिग क्लिक नहीं की। अब इसमें से क्लिक जिस गिग को मैं करूंगा उसको एक क्लिक मिलेगा। नहीं जी, कल वाला फिर से हो गया है। कहते हैं कि जी आप इंसान नहीं है या रोबोट है, तो चले जी हम वेरीफाई कर देते हैं। नहीं मान रहा, कभी भी नहीं मान रहा। चले खैर, ना माने जी हमारा आगे जाता है। तो क्लिक किया है कि जब आप किसी गीक को ओपन करते हो, जैसे कि हमने ये गीक ओपन की है, ठीक है, ये होता है क्लिक, ठीक है। दैट मीन कि आपका पिक्चर अट्रैक्टिव है जिसको देख के उस बंदे ने गीक ओपन की है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑर्डर मिलना, ठीक है। अब ऑर्डर मिलने की कई ना मिलने की कई रीजन है। आपने प्राइस जो है उसको मैनेज नहीं किया, जो कि मैंने आपको गिग में बताया है। आपने डिस्क्रिप्शन जो है उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, ठीक है। तो ये कई रीजंस हो सकते हैं ऑर्डर्स ना मिलने के। इंप्रेशन आप, इट मींस दैट कि आपके कीवर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं। सर डिफरेंट स्किल ऐड कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग देन वो डेवलपमेंट। वलीद बिल्कुल ऐड कर सकते हैं अगर आपको सेल आ लें। सर साथ में एक और भी मैसेज आ गया है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। चले वो बाद में दिखाता हूँ, पहले आपके क्वेश्चंस ले लें। आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं सर, मिनिमम 12 to 15 स्किल्स तो मैंने कल खुद आप लोगों को बताई है कि आप लाजमी ऐड करो। एसईओ करना मस्ट है यार, एसईओ गिग की एसईओ करना तो मस्ट है भाई। अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हैं तो इन चीजों को जाहिर बात है आप अंडरस्टैंड करोगे, है ना। लेकिन अगर आप एसईओ कोर्स का पूछ रहे हैं तो भाई अप टू यू है कि आपका इंटरेस्ट अगर एसईओ की तरफ है तो आप एसईओ का कोर्स करें, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि आप एसईओ कोर्स का पूछ रहे हैं गिग एसईओ का पूछ रहे हैं। सर प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी स्टार्ट करें? हमारे प्राइस का सबसे बेहतरीन ऑप्शन मैंने बताया कि भाई अपने टाइम को कैलकुलेट कर लो, आप अपने टाइम की प्राइस क्या रखते हो। जितना एक टाइम लगता है आपको एक प्रोजेक्ट बनाने में, उस हिसाब से आप प्राइस रख लो। लेकिन स्टार्ट में लो रखो। सपोज दैट कोई $25 ले रहा है तो आप 15 से स्टार्ट कर लो, आप 10 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, ताकि आपको सेल मिलना शुरू हो जाए। लेकिन बिल्कुल डाउन टू अर्थ भी ना जाओ कि $5 से ही स्टार्ट करें, नहीं, ऐसा भी कोई यहाँ पे खुल गया नहीं है। अगर 2 ईयर से फाइवर पे काम ना किया हो और गिग पे ऑर्डर ना आ रहे हो तो न्यू गिग बनानी चाहिए या उसी को खदीजा मैं एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा जो पेड सेशन चलता है जिसमें मेरे अपने स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ बहुत सारी चीजें और भी जो है शेयर होती हैं, ठीक है, क्योंकि 2 दिन के सेशन में वो चीजें तो नहीं हो सकती जो कि आपके पूरे 15 दिन में या 1 महीने के सेशन में होती हैं। तो एक चीज बताता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक टाइम बताता होता हूँ भाई, 36 आवर से ज्यादा कोई गिग जिसपे ऑर्डर नहीं आया उसको नहीं रखना प्रोफाइल पे, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर लो कि 2 ईयर से जिस गिग पे ऑर्डर नहीं आया तो दैट मीन आपने उसको रखना है या चेंज करना है। टाइटल में कितने कीवर्ड्स लगा सकते हैं? सर टाइटल में 80 करेक्टर होते हैं, 80 करेक्टर के मुताबिक आप जितने मर्जी कीवर्ड्स लगा दो। मॉकअप ये बेटे मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये 3D मॉकअप्स हैं। वलीद बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, मैंने लास्ट भी आपको बताया एसईओ मस्ट है, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जीशान मैं यार 8 ईयर्स से जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ साथ हाँ, फ्रीलांसिंग के साथ साथ जो है वो तकरीबन कोई 3 से 4 साल हो गए कि मैं ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बट इसके अलावा कोई नहीं। और ट्रेनिंग्स भी पर्पस ये है कि और मजीद लोगों को ट्रेन करने का, ठीक है, लेकिन जॉब की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं गए कि अल्लाह ने इसी से बहुत नवाजा है। प्रोसेस बिल्कुल, आप डिस्क्रिप्शन में मल्टीपल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, मैंने किया भी थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है ये मल्टीपल कीवर्ड्स ही है। आवर एक्सपर्टीज मिनिमल लोगो, मिनिमल फ्लैट, मॉडर्न, विंटेज, लग्जरी, टाइपोग्राफी, फिमेनी, सिग्नेचर, मैस्कोट, कस्टम लोगो, ये मल्टीपल कीवर्ड्स ही है। आप डिस्क्रिप्शन अगर कॉपी करोगे तो आपकी गिग जो है वो डिनाई हो जाएगी बेटे। एक कंटेंट जो है किसी और का लिखना, दैट मीन कि आप चोरी कर रहे हो कंटेंट, तो
जो एथिकल नहीं है, और फाइबर भी इस चीज को कहता है कि आप अपना यूनिक कंटेंट खुद लिखो। नहीं हफ्जा, बिगनर्स के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना लाजमी है भी नहीं भी है, उसकी कंडीशंस है, लेकिन अगर आपने टाइम ही वन डे रखा तो आप उसमें वन डे डिलीवरी में एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं करोगे ना, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने कुछ ऐड किए थे और कुछ मैंने निगलेक्ट कर दिए थे, वो आपको समझाने के लिए ही इसलिए किए थे उसमें। जीशान अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कमा लेता हूँ कि बहुत कमाल लेता हूँ, ठीक है। कल मैंने प्रोफाइल अपना शेयर भी किया था सर। इम्प्रेशन का मैंने अभी बताया कि इम्प्रेशन आ रहे हैं, दैट मीन कि आपके कीवर्ड्स ठीक है, लेकिन आपके गिग की इमेजेस ठीक नहीं है, उनको जरा चेंज कर लें। जब आपका एक्सीड का ऑप्शन आता है ना आयशा, तो आप अपने कीवर्ड को थोड़ा सा सेंटेंस वाइज चेंज कर लो, लेकिन 3 दफा नहीं आता वो, 5 to 7, मिनिमम 5 दफा अगर आप करते हैं तब देता, 3 दफा कोई प्रॉब्लम नहीं देता। और उसको आप यूज करो मैनेज के स्टार्ट मिड एंड एंड, इस तरह से आप उसको यूज करो। प्रोसेस बिल्कुल सेल कर सकते हैं, बिल्कुल सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये कि स्टार्ट में आप किसी एक चीज को लेके चलो, जब आपको सेल आना शुरू हो जाए दन आप ऐड करते रहो। जिशान मेरी स्किल्स ग्राफिक डिजाइनिंग की हैं एंड वर्डप्रेस की हैं, और उसके अलावा हमारे पास टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जो डिजिटल मार्केटिंग, SEO, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग सारी सर्विसेज देते हैं। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल स्किल्स की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग और उसमें वर्डप्रेस। बिल्कुल अक्सर वर्चुअल असिस्टेंट की इस वक्त स्किल जो है वो डिमांडिंग स्किल है, आप उससे स्टार्ट कर दें। नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको योर स्किल साथ ऐड करके फिर स्टार्ट करें, आप वर्चुअल असिस्टेंट से उसको स्टार्ट कर दें, साथ में अपने स्किल को ऐड करते रहें। जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट में आपके पास कई तरह के काम होते हैं, आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट रिसर्च करके दे सकते हो जिसको हंटिंग भी बोलते हो, आप लिस्टिंग की सर्विसेज दे सकते हो, आप उसको जो है शिपमेंट उसके प्लान्स दे सकते हो। आपकी एक बात कर रहे थे बेटे कि आप ऐड कर सकते हैं स्किल को, जैसे कि आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज अभी दे सकते हैं अगर उसमें आप बहुत आपका अच्छा हाथ है वर्चुअल असिस्टेंट में। लेकिन साथ साथ आपको ये भी आइडिया होगा कि आप ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, कि कोई भी बंदा है जो उसको ग्राफिक्स की जरूर जरूरत होती है वर्चुअल असिस्टेंट के साथ साथ, क्योंकि वो आप उसकी इमेजेस जो है उनको भी ले सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं क्योंकि कंटेंट भी उसने लिखवाना होता है, आप कीवर्ड सर्च करके उसको दे सकते हैं, तो आप मल्टीपल सर्विसेज उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी एक स्किल से स्टार्ट करें और बाद में जो है वो ऐड करते जाएं। नेक्स्ट सर प्रासद, आपका क्वेश्चन है सर मल्टीपल लैंग्वेज। प्रासद मैंने कल भी बताया था कि मल्टीपल लैंग्वेज हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम जो है बैरियर, जो लैंग्वेज बैरियर होता है ना, उसको क्रॉस कर रहे होते हैं, कि कुछ लोग स्पेनिश से, अदर कंट्री से भी हमें जो है वो कर रहे होते हैं टच, तो एक हेजिटेशन होती है कि ये बंदा मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं जानता और मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, तो मैं इस बंदे से अगर बात करूंगा तो हो सकता है मैं वो रिजल्ट ना हासिल कर सकूं जो कि होने चाहिए। तो लैंग्वेजेस आप इसलिए ऐड करते हो कि आप अदर क्लाइंट्स को भी फोकस कर सको। वेलकम जी, क्या हम किसी और टैग कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं? प्रोसेस बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, टैग्स पे कोई कॉपी नहीं है, कॉपीराइट नहीं आता, ऐड किए हैं बाद में चेंज कर सकते हैं। जीशान बिल्कुल एडिट कर सकते हैं आप गिग में, और पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। आप जिस इकराम जिस निश में काम करना चाहते हो ना, सपोज दैट ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं लोगो डिजाइनिंग का कंपटीशन आपको दिखाऊं, तो 2,22,730 लोग हैं इस लोगो डिजाइनिंग की कैटेगरी में, तो आप इस तरह सर्विसेज पे क्लिक करके अपना कंपटीशन चेक कर सकते हैं। बिल्कुल हनान, SEO भी एक स्किल है, तो आप SEO सीख सकते हैं, ठीक है। SEO को जो लीड कर रहे हैं वो तलहा भाई लीड कर रहे हैं हमारे साथ कैंपस में, तो आप व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ ऊपर चैट में शेयर भी किया गया है 0300 7828 वाला, तो आप उसमें मैसेज करेंगे तो आपको SEO के कोर्स की डिटेल, क्लास टाइमिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। सर वो आपके कोर्स के बारे में भी पूछ रहे थे कुछ बच्चे, यहाँ पे मैंने मैसेज पढ़े, वो आपके पेड फाइवर कोर्सेज के बारे में भी पूछ रहे थे वो भी। ओके 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 अली, मैं बता देता हूँ। जारा, हमने जब पैकेज बनाए थे बेटे प्राइसिंग में जाके, तो वहां पे हम ऐड कर सकते हैं कि हम आपको 2 डिजाइन दे सकते हैं, साथ में सोर्स फाइल दे सकते हैं, स्टेशनरी दे सकते हैं। जैसे कि ये बच्चे, मैं आपका चैट इस साइड पे कर दूं, जैसे ये है
सिंगल लोगो कॉन्सेप्ट, एचडी जेपीजी ट्रांसपेरेंट फाइल, इसी तरह स्टैंडर्ड में उसने कहा सोशल मीडिया किट एंड सोर्स फाइल। तो ये चीजें आप जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने पैकेज में। बिलाल कीवर्ड सर्च का जो तरीका है यार थोड़ा सा लॉन्ग है, उसके लिए एक पूरी क्लास जो है डेडिकेटेड होनी चाहिए। क्लास में मैं करवाता होता हूँ, ठीक है, इवन आपको जो गूगल की शीट्स बनाना भी बताता हूँ कि आपने कीवर्ड कैसे लेना है, आपने शॉर्ट टेल लेना है, लॉन्ग टेल लेना है, मिड टेल लेना है, कौन सा कीवर्ड लेना है, दूसरे कीवर्ड्स को मिक्स करके न्यू कीवर्ड कैसे बनाना है, उसका कंपटीशन कैसे चेक करना है, उसमें ऑर्डर इन क्यू कैसे चेक करना है, उसकी एवरेज प्राइस कैसे चेक करनी है। तो यार उसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए, कोई तकरीबन 1 घंटे का, मिनिमम 1 घंटा तो होना चाहिए मेरे ख्याल में। थोड़ा सा आप एक इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे उतने चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। खान साहब मैं आपको बताता हूँ जो फाइवर के कोर्स का भी, साथ में इस वक्त प्रोफाइल, कल बेटे फुली 1 आवर का सेशन हमारा प्रोफाइल का ही था, तो अभी मैं उसको रिपीट तो नहीं कर सकता, लेकिन कल की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। आयशा क्लिक और इंप्रेशन आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो दैट मीन के बेटे प्राइस आपको चेक करनी पड़ेगी कि प्राइस में कोई इश्यू है, ठीक है। सेकंडली चीज के इंप्रेशन एंड क्लिक्स भी चले गए, तो दैट मीन के आपने अपने गिग को चेंज नहीं किया, तो जारी बात है डे टू डे जैसे जैसे आपका गिग डाउन चला जाएगा, ठीक है, तो वो सर्च बार में तो नहीं आएगा ना, डेली बेसिस पे आपके गिग की रैंकिंग हो रही होती है। अगर आपको ऑर्डर मिल रहा है या कोई क्लाइंट सर्च कर रहे हैं तो आपकी गिग ऊपर आ रही होती है, लेकिन अगर नहीं ऐसा होता तो आपकी गिग डाउन भी जाती है। शाजेब आज का ही सेशन था और ये आपके आंसर क्वेश्चन तक ही चलेगा। फातिमा रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह आपके नंबर्स पे जो है वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ड्राइव का, गूगल ड्राइव पे जो है वीडियो अपलोड हो गई है तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग जिन जिनको वीडियो चाहिए वो व्हाट्सएप मैसेज भी कर दें, वरना व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना के उस ग्रुप में एक ही दफा लिंक शेयर कर दिया जाएगा। प्रोसेस वेबसाइट की इमेजेस कहीं भी यूज करके नहीं, वैसे हाँ अगर आप गीक के लिए इमेज बनाना चाहते हैं तो, अगर तो आप ग्राफिक डिजाइनर है फिर तो आपको किसी वेबसाइट को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप फोटोशॉप और अडोब बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, और अगर आप यानी कि नहीं उनसे फेमिलियर तो आप कैनवा पे जाके बना सकते हैं, canva.com की वेबसाइट पे। As soon as possible आसमा अवेलेबल हो जाएगा। मोबीन 24 घंटे ऑनलाइन रहना कोई जरूरी नहीं है यार, किसी टाइम लोग ये सोचते थे कि हम 24 घंटे ऑनलाइन रहेंगे तो हमें काम मिलेगा। मुझे एक बात बताओ भाई, मार्केट बंद है, आप ऑनलाइन भी रहो बैठे रहो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट मीन अभी आप फैसलाबाद में अगर हो तो फैसलाबाद की मार्केट के हिसाब से देखो कि आप रात को दुकान खोल के बैठ जाओ, कोई क्लाइंट आ ही नहीं रहा, आपकी दुकान सारी रात भी खुली जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो दैट मीन कि आपको जिन लोगों से सेल्स मिलनी है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करो कि उस वक्त ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करो। जरा मिल जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंशाल्लाह, दो तो सेशन है आपके। नहीं सर सेशन दोबारा नहीं होगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर हुआ भी तो इस तरह का ऑनलाइन कोई सेशन तो हो सकता है उसमें कंटेंट चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि हर सेशन का कंटेंट जो होता है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, कुछ न्यू जो है उसमें वेरिएशंस आ जाती है, कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाती हैं, तो सेम एज इट इज तो नहीं होगा। प्रसाद मैं आप लोगों के साथ फी शेयर करता हूँ बेटे। हाँ आप फातिमा वेबसाइट के ये सॉरी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं किसी को भी पे करके, कंटेंट राइटर जो भी अच्छे हैं। आसमा कल की क्लास की, इसका मतलब ये होता है हाफिज साहब कि आपकी गिग जो है वो सच से आउट हो चुकी है। जाइम एक ऑर्डर आ रहा है तो भाई आप अपने गिग्स न्यू ऐड करो और ट्राई करो कि अपने जो आपका एक कस्टमर है उसको अपसेल करो, ठीक है, अपसेल मेन के उससे। फरसत मुझे आपने मैसेज किया
भाई अगर तो आपने मुझे व्हाट्सएप किया है तो मैंने, बहुत माजरत, आप मुझे दोबारा से मैसेज कर दें, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ दो नंबर शेयर किए थे, एक कैंपस का था, एक मेरा पर्सनल था। आई डोंट नो कि आपने किस नंबर पे मैसेज किया है। सर रिकॉर्डिंग आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करें मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के मुताबिक जिनका भी क्वेश्चन है सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते मिल जाएगी। व्हाट्सएप करना है अपने 0300 वाले नंबर पे, जो 7828 वाला नंबर है। जी बिल्कुल अक्सा, आप सारे गिग्स को डिलीट कर सकते हैं। मुनीब बिल्कुल, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन एक अच्छी स्किल है। बिलाल वर्डप्रेस में कंपटीशन बहुत कम है मेरे देखने में, बनिस्वत डिजाइनिंग के। लेकिन एक चीज याद रखो, मैंने कल भी बताया था, कंपटीशन भाई वहीं पे होगा जहां पे काम होगा, जहां पे काम नहीं है वहां पे कंपटीशन नहीं हो सकता। प्रसाद बाज इमेजेस में अपनी पिक्चर यूज कर लेते हैं हम, लेकिन हर गिग में जरूरत नहीं है। प्रोफाइल में आप अपनी पिक्चर लगाएं, और जो गर्ल्स हैं वो अगर तो भाई कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम के गर्ल्स कर लें, लेकिन अगर वो नहीं कर सकती तो वो वेल के साथ अपनी पिक्चर्स लगा सकती हैं, या अपनी कोई जो प्रोफाइल का नेम है उसका लोगो वगैरह डिजाइन करके वो यूज कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं, प्रोसेस व्हाट्सएप ग्रुप बना ही नहीं है अभी। आप लोगों को रिकॉर्डिंग के लिए ग्रुप बनेगा, और उसका नंबर जो है वो, अगर तो आप कैंपस का नंबर पूछ रहे हैं तो सर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ बार बार, क्योंकि ये चीज। सब कैंपस के नंबर पे व्हाट्सएप नंबर मतलब करते हैं मैसेज, यहाँ पे आप ना शेयर करें ठीक है, तो वहां से हम लोग ऐड करके आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे, गर्ल्स का अलहदा बन जाएगा, बॉयज का अलहदा बन जाएगा। ये सर व्हाट्सएप का नंबर है, काइंडली चैट में किसी बंदे ने अपना नंबर शेयर नहीं करना है, ये चीज याद रखें ठीक है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, फिर दोबारा से बता रहा हूँ। तो आप लोग जो कैंपस का नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दें, तो इनशाला आपको रिकॉर्डिंग के मुतालिक या आपकी जो भी क्यूरी होगी कि हमारी सर कोर्स के मुतालिक क्लासेस के मुतालिक क्यूरी है ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आपको वहीं पे मिल जाएगी। ये मैं कैंपस का जो नंबर है वो मेंशन कर रहा हूँ, ये कैंपस का व्हाट्सएप नंबर है सर। आप लोग राइट डाउन करना चाहें, लिखना चाहें, सेव करना चाहें, आप कर लें, तो आप इस पे मैसेज कर दें। चैट में कोई भी बंदा अपना नंबर शेयर नहीं करे काइंडली, क्योंकि फीमेल भी होती है मेल भी होते हैं, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। प्राइस पैकेज में कोई फायदा नहीं है प्रासद, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं आप जरूर कर लें। अक्सा थैंक यू सो मच। प्रासद एक ईमेल और एक फोन नंबर। सब लोग हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, वहां पे भी ताहिर साहब के सेशंस होते हैं, बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी सेशन करते हैं वहां पे ठीक है, तो वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। हम वो सेशन से बिल्कुल फ्री होते हैं, बाकी सर के यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के भी सेशन है, और उसके अलावा सर के फाइबर के भी सेशन है ठीक है, तो उसके मुताबिक किसी को डिटेल चाहिए वो भी व्हाट्सएप पे नॉक कर सकते हैं, और बाकी आप लोगों का इंशाल्लाह ग्रुप भी बन जाएगा। अच्छा सर एक लास्ट चीज जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लीव भी कर गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अभी तक बैठे होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, दैट मीन के वो लोग कुछ करना चाह रहे होते हैं। तो एक चीज तो याद रखें सर, जो कुछ करना चाह रहे होते हैं वही कुछ करते हैं ठीक है। प्रोसेस पेपाल के अलावा आप पायनियर ऐड कर सकते हैं यार, उसका पेमेंट आपकी नहीं रुकती, मैं गारंटी देता हूँ ठीक है, आप काम करने वालों बने। जईम आप पायनियर के अकाउंट से उसकी जो है वो कर सकते हैं। प्रासद फोन नंबर आपके पास वो होना चाहिए जिसकी सिम अवेलेबल हो, ये जो है ये व्हाट्सएप नंबर है सरेश, आप इस पे मैसेज कर दें विद योर नेम एंड क्यूरी, तो आपको रिप्लाई कर देंगे अली भाई। बिलाल वर्डप्रेस में स्टार्ट कैसे ले सकते हैं? भाई वर्डप्रेस अगर तो आपको आती है तो सेम प्रोसीजर पे आप गिग बना सकते हैं। अच्छा सर आपके क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ। तो एक चीज जो है वो बहुत सारे, जैसे कि अली भाई ने भी कहा कि व्हाट्सएप पे भी लोग पूछ रहे हैं, सर आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज, जो लोग तो फाइबर की पेड ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन ठीक है सर, उनके लिए मेरी तरफ से 30% का डिस्काउंट होगा सिर्फ और सिर्फ
इस क्यूरी के लिए जो इस सेशन में ऐड है। नॉर्मली जो फाइवर की फी है वो हम चार्ज कर रहे होते हैं 10,000, मैं जो चार्ज करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता और वो अपने जॉब जो है वो डन कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस सेशन के लिए सर फाइवर में आपको 10-30% जो डिस्काउंट होगा सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी सिर्फ वो होंगे जो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अपना नेम एंड अपनी स्किल के साथ और बताएंगे कि सर ये 2 दिन का हमारा सेशन हुआ था, तो वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए जो है वो फुली फी चल रही है। एंड अगर आप ग्राफिक्स को लेते हैं सर, तो ग्राफिक्स के साथ सर आपके लिए मेरे पास जो पैकेज है प्लस फाइवर बहुत होगा। नॉर्मली तौर पे सर हम जो चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि मैं खुद ठीक है बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता हूँ, 20,000 हम चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर भी आपको सेम सर 30% का डिस्काउंट मैं ऑफर कर रहा हूँ इन द सेशन। आप में से कोई भी भाई बहन ठीक है बेटा बेटी सीखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। प्रसाद फी बहुत ज्यादा है बच्चे, अगर मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो अगर आप फाइवर की ही बात करो सर, फाइवर पर आपको 40,000 चार्ज करने वाले लोग भी मिलेंगे। हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, सर, कुछ भी हमने तो चार्ज सिर्फ नहीं कर रहे। 10,000 किया था, वो भी अभी आपने इनको डिस्काउंट दे दिया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि दाइट साहब के जितने भी बैचेस अभी तक हुए हैं, ऑलमोस्ट हर बैच में अगर 15 लोग थे, 20 थे या 30 थे, तो हाफ मतलब जो मेजोरिटी है उसको ऑर्डर्स लगे हैं, ठीक है, विद ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। तो आपके पास स्किल है तो आप फाइवर को अवेल करें, अगर स्किल नहीं है, विद स्किल हम, अगर आप किसी और स्किल में भी इंटरेस्टेड है, वो भी हम ट्रेनिंग अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, वो भी हम ट्रेनिंग देते हैं। जी सर, तो अपन प्रसाद साहब आप फी जो है इसको तो मैं कह रहा हूँ कि यकीन माने हम बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमने वो चीज जो आप लोगों को 7 to 8 years एक्सपीरियंस करने के बाद 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 जो चीज है वो आपको 15 या 20 दिन में सिखानी है ना, और इतना उसमें शार्प करना होता है कि आप जब किसी बंदे के सामने जाओ ना तो आपको ये ना बताना पड़े कि या उससे पूछना ना पड़े कि भाई मुझे ये करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है। रायमा फिजिकल एंड ऑनलाइन सेशन बहुत हैं। फिजिकल ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास कल 11 बजे से स्टार्ट हो रही है, जिसमें प्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी से हो रही हैं, तो कोई भी बंदा अगर मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम। अगर ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं आप, तो ऑनलाइन का जो सेशन है वो शाम 4 बजे होता है, सेम एज इट इज, जैसे अभी मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, आपकी क्यूरीज ले रहा हूँ, इसी तरह से यानी कि होता है। प्रसाद मैंने आपको बताया कि उसमें भी आपको 30% जो है वो ऑफ होगा। एससीओ की फी फातिमा आप बेटे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। अली भाई आपको अभी क्लास का शेड्यूल, जैसे कि मुझे मेरी क्लासेस का पता होता है कि कल 11 बजे मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो एससीओ को तलहा भाई लीड कर रहे हैं, तो उनका शेड्यूल एंड फी जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर कर देंगे। 16,000 सर चार्जेस हैं एसईओ के, ठीक है, और ओके स्केड्यूल भी मॉर्निंग और इवनिंग बोथ क्लासेस चल रही हैं, तो मैं बाकी क्लास टाइम शेयर कर देता हूँ, ये व्हाट्सएप पे नोट कर दें। ठीक है सर। फातिमा 16 जो है वो 1,000 एसईओ के फुल कोर्स की फी है। अच्छा आपको एसईओ के कोर्स में एक चीज और मजे की बताता हूँ कि आपको एसईओ के कोर्स के बाद कहीं इंटर्नशिप ढूंढने की जरूरत नहीं है। तलहा भाई खुद, क्योंकि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी रन करते हैं, तो तलहा भाई अपने अंडर आपको एसईओ की इंटर्नशिप भी करवाते हैं, ठीक है। जो लोग विलिंग हो, आफ्टर कोर्स हम लोग आप लोगों को जज करते हैं, ठीक है, और उसके मुताबिक आप लोगों को इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं, ठीक है। तो आप काम सीखने के बाद, आप ग्राफिक्स का काम सीखते हैं तब भी आपको इंटर्नशिप के लिए कहीं जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग आपको ऑफर करते हैं। लेकिन एक ही चीज है कि आपका काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपको डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्रासर नॉर्मली तौर पे यार मैं दोनों की चार्ज जो है वो 20,000 करता हूँ, आप 30% डिस्काउंट के साथ आप देख लो। और ये भी अली भाई ने आपके सामने बता दिया है कि स्ट्रिक्टली मैं खुद फॉलो करता होता हूँ इसको, कि हम फी में जो है वो डिस्काउंट ना करें, ठीक है। लेकिन इस सेशन के लिए आप लोगों के लिए ही ये है, और इस सेशन के बाद होगा या नहीं होगा ये अप टू सेशन है, डिपेंड करता है ऑडियंस पे। जी सर एनी अदर क्वेश्चन?
सर बैकलिंक नहीं बनवाते, तो अगर आप ऑफ पेज की बात कर रहे हो, क्योंकि बैकलिंक जो है वो ऑफ पेज स्ट्रेटेजी में आता है, तो बैकलिंक्स पे अगर काम है तो भाई आपको बैकलिंक में प्रॉब्लम है कोई? अगर मैं फाइवर पे आपको बैकलिंक का काम दिखा दूं ना, तो आप कहेंगे कि सर मैंने बनाने ही बैकलिंक है। जी सर, होप सो कि आज का सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। नहीं प्रासद, हम मंथली इंटर्नशिप जो है मोस्टली जो है ना, हम इंटर्नशिप उन स्टूडेंट्स को देख रेख के देते हैं जो कि विलिंग होते हैं, ठीक है। और इंटर्नशिप का एक प्रोसेस होता है कि आपको पूरे का पूरा काम सिखाया जाए, उसमें बैकलिंक भी आता है, उसमें ऑन पेज भी आता है, ऑफ पेज भी आता है, उसमें कॉन्टेंट रीराइटिंग भी आती है, कॉन्टेंट राइटिंग भी आता है, कीवर्ड सर्च भी आता है, ठीक है। तो मोस्टली काम जो है वो सारे का सारा ही होता है। लेकिन अगर आप कहें कि सर बैकलिंक वाला मैंने नहीं करना या मैं इस हिस्से को स्किप करना चाहता हूँ, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट ऑफ जॉब है आपका, ठीक है। तो जारी बात है, ये आएगा तो जरूर उसमें। लेकिन जो बात आप कर रहे हो कि बैकलिंक बना के इंटर्नशिप पे, वो भाई जारी बात है बैकलिंक आपसे बनवाते हैं, उसको सेल आउट भी तो करते हैं यार। वेलकम सर, होप सो कि आप लोगों को मजा आया होगा सेशन का। तो और कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तो सर यहाँ तक हम सेशन को ऑफ करने जा रहे हैं। तो बाकी आप लोगों की जो जो भी क्यूरीज हैं आप व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप लोग सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम सर, आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दी गई है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अली भाई, मीटिंग को एंड कर दीजिएगा अपनी तरफ से। अल्लाह ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज, टेक केयर।